अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, अपनी जगह पर मौजूद नहीं था और उसके अलावा कुछ मार्केट भी अच्छी नहीं चल रही थी। मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो को पॉजिटिव बनाने का। हर वीडियो में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, तो इसलिए मैंने कोई बैड वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि एक बैड वीडियो मैंने पहले बनाई थी तो लोगों ने कहा कि जी आप तो अच्छी वीडियोस बनाते थे, आपको क्या हो गया। बहरहाल मैं तो यही कोशिश करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहने का पैगाम देना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बेहतरी जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर आती है। और इंसान, किसी भी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, लेकिन फिर वो भी ठीक हो जाता है। इसी तरह मुल्की हालात जो हैं, हमारा जो मुल्क है इसकी भी इस वक्त हड्डियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन ये जल्द ही ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएगा। और जब ये ठीक हो जाएगा तो खुशहाली पहले भी यहाँ थी, अब भी दोबारा से यहाँ खुशहाली आ जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DHS सिटी के हवाले से कि DHS सिटी में इन दिनों क्या मामला चल रहे हैं। DHS सिटी में इन दिनों जो है वो मामला काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। मार्केट जो है वो और करेक्शन लेकर नीचे आ गई है और उसकी वजह जो है वो लोगों का सब्र ना करना। मैं तो हमेशा अपनी हर वीडियो में लोगों से यही कहता हूँ कि सब्र कर लो भाई, अपनी चीज़ मत बेचो। लेकिन बहुत से लोगों की बहुत सी मजबूरियां हैं और हर किसी को जो है वो पैसों से गर्ज है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। इसलिए लोग जो है वो नहीं कंट्रोल कर पाते, नहीं सब्र कर पाते, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत होती है और वो अपनी चीज़ ऊपर नीचे करके बेच देते हैं। और क्यों ना बेचें, चीज़ होती ही इसलिए है मुश्किल वक्त में काम आने के लिए। और इस वक्त इत्तेफाक से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पे ज़्यादा मुश्किल वक्त चल रहा है। तो अल्लाह ताला सबके लिए खैर वाफियत करे, सबके लिए आसानी के मामलात करें। बात करते हैं DHS सिटी के रेट्स के हवाले से। तो DHS सिटी में इस वक्त 125 गज में जो 20 रमज़ान तक या 25 रमज़ान तक सेक्टर 6 में या सेक्टर 3 में जो रेट था, उससे वो और तकरीबन 10-15% डाउन हो गया है। 10% तो कंफर्म डाउन हो गया है। सेक्टर 3 में इस वक्त अगर आप प्लॉट बेचने के लिए आते हैं, देखें मार्केट में दो तरह के रेट्स होते हैं और जिस पे मैं इख्तलाफ भी करता हूं, लेकिन चूंकि मार्केट बहुत बड़ी है और मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं तो सबको समझाया या बताया नहीं जा सकता। लेकिन मैं अपनी वीडियो के हवाले से अपने देखने वाले लोगों को, जो इस वीडियो से देखकर रेट्स का आइडिया लेते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ, देखें मार्केट में इस वक्त दो तरह के रेट हैं। अगर आपके पास प्लॉट है और आप बेचना चाहते हैं तो आपको प्लॉट का रेट दिया जाएगा 35 लाख रुपये, 34 लाख रुपये। लेकिन जब आप कहेंगे कि जी मुझे बयाना करवा दो, मुझे पैसे दिलवा दो, मैं बेचना चाहता हूँ ये प्लॉट, तो आपको ऑफ़र आएगी 32 लाख रुपये की, 31.5 लाख रुपये की। एक्चुअल रेट जो है वो 32-31.5 लाख रुपये का है, लेकिन आपको कोर्ट कुछ किया जाता है और आपकी चीज़, आपको ऑफ़र जो है वो कुछ दी जाती है। तो आप इस वक्त मार्केट में दो तरह के रेट चल रहे हैं। सेक्टर 6 में अगर आप प्लॉट ख़रीदने के लिए आते हैं तो आपको प्लॉट का रेट कोट किया जाता है 25-26 लाख रुपये, 27 लाख रुपये। लेकिन इस वक्त जो है वो सेक्टर 6 में रेट जो है वो तकरीबन 23 लाख रुपये, 22.5 लाख रुपये, 23.5 लाख रुपये का रेट चल रहा है। अगर आपका लोकेशन का प्लॉट है तो आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, और अगर आपका लोकेशन का प्लॉट नहीं है, जनरल कैटेगरी का प्लॉट है, तो आपको बस बमुश्किल 22.5-23 लाख रुपये ही मिलेंगे। इसी तरह और नीचे के सेक्टर्स में आप चले जाएँ, सेक्टर 9 में आप आ जाएँ, सेक्टर 12 में आप आ जाएँ, सेक्टर 13 में आप चले जाएँ, तो वहाँ पर तो 20 लाख के भी अंडर में रेट आ गया है। तो इस वक्त मार्केट की कंडीशन ख़राब है और मैं जितने भी अलॉटीज हैं, जिन लोगों को प्लॉट अलॉट हुए हुए हैं, उनको मैं यही मशवरा दूंगा, मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग सब्र करें, इंतज़ार करें। ये मार्केट बॉटम पे आ गई है, बस इससे ज़्यादा नीचे अब क्या जाएगी। मतलब ये जो 125 गज के प्लॉट हैं, ये 5-5 लाख के या 2-2 लाख के कभी भी नहीं होंगे। ये इस जगह पर स्टैंड स्टिल कर जाएंगे, यहाँ पर लोग ख़रीदार जो है वो ख़रीदारी कर लेगा। ख़रीदार के लिए, बायर के लिए मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि भाई ये बॉटम पे आ गई हैं प्राइसेस, अब आप क्या सोच रहे हो
खरीदार को, बायर को जो है वो अभी भी अगर सोचना पड़ रहा है तो फिर आप कभी भी एंट्री नहीं ले सकोगे, क्योंकि बाज़ार में इस वक्त बॉटम प्राइसेस चल रही हैं। सेक्टर 3 में 30-31 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाता है 125 गज का, जो कि मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे सस्ता प्लॉट है। इसी तरह अगर आप सेक्टर 3 में 200 गज का प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ 51-52 लाख रुपये का कल भी काम हुआ है। 52 लाख रुपए से रेट टूटा नहीं है और 52 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से नीचे जाएगा भी नहीं, क्योंकि सेक्टर 3 एक अच्छा सेक्टर है और बेहतरीन जगह है वो। इसी तरह अगर आप आ जाते हैं सेक्टर 9 में, सेक्टर 9 में 21-20 लाख रुपए का रेट आ गया है, लेकिन इस वक्त जो है वो बाइंग टाइम है। इस वक्त जो बायर हिम्मत करेगा इंशाल्लाह वो अच्छा बेनिफिट हासिल करेगा। लेकिन सिचुएशन ये है, मुल्की हालातों को देखकर हर कोई सोच में पड़ा हुआ है, हर कोई परेशान है कि मैं अपने पैसे खर्च करूं या ना करूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त ये बाइंग टाइम है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मुख्तलिफ अखबार जो आते हैं डेली बेसिस पे, उनमें आप उन हर अखबार में एक ना सेक्शन होता है पब्लिक नोटिस का, उसमें लोग जो जो प्रॉपर्टी परचेज और सेल करते हैं उसके पब्लिक नोटिस देते हैं। आप डेली बेसिस पे उस अखबार को अगर देखना शुरू करें तो उसमें आपको 10-15 नोटिस नज़र आएंगे। 10-15 नोटिस नज़र आएंगे इसका मतलब है कि उसका दोगुना चुगना काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि बाजार जो है वो देर सवेर ऊपर जाएगा। जो लोग अभी बाइंग कर रहे हैं वो इसी सोच में या इसी नीयत से बाइंग कर रहे हैं या इसी लालच में बाइंग कर रहे हैं कि वो प्लॉट के ऊपर पैसे कमाएंगे। लॉस करने के लिए तो कोई भी नहीं लेता, हर कोई लेता है प्रॉफिट बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। काफ़ी दिनों से आप लोगों से गपशप नहीं हुई थी, मैंने कहा एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ प्लॉटों के रेट्स के ऊपर और आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि दिस इज़ द बाइंग टाइम, ये बाइंग टाइम है और आप लोगों को इस वक्त डिसीज़न लेना चाहिए। लेकिन वो लोग बिल्कुल डिसीज़न ना लें जिन्होंने बैंक का सूद खाना है, वो लोग बिल्कुल डिसीज़न ना लें जिन्होंने बैंक से इंटरेस्ट में, बैंक में पैसे रखे हुए इंटरेस्ट के लालच में। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई कारोबार कर कारोबार से ही पैसा कमाना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।